में मिला करके कह रहे हैं कि दूर है शुद्ध प्रेम गंध, मुझ में शुद्ध प्रेम की गंध दूर है, गंध भी नहीं है। शुद्ध प्रेम किसको कहेंगे? जिसमें अन्य अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषा नहीं, किसी दूसरी अभिलाषा नहीं है। फिर ज्ञान कर्म से अनावृत, ज्ञान का फल मोक्ष मिल गया, कर्म का फल स्वर्ग मिल गया। अब तो हमको फल मिल गया, अब हमको भक्ति से क्या मतलब? तो भक्ति हो गई आवृत, ज्ञान के फल से भी आवृत हो गई, मोक्ष मिलने पर भक्ति शांत हो जाए तो वो हो गई ज्ञान से आवृत, स्वर्ग मिलने पर, भोग मिलने पर भक्ति पूरी हो गई, चलो हमारा काम बन गया, अब उठा करके माला को फूटी के ऊपर टाक दो मालो जरूर। तो ये भी एक गलत बात होगी, ये भोग से आवृत होगी। तो ज्ञान और कर्म, इन दोनों से भक्ति कभी भी आवृत नहीं होती। अर्थात ज्ञान का फल मिल जाने पर और कर्म का फल मिल जाने पर भक्ति समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। भक्ति कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। अन्य अभिलाषा शून्य, मुझे स्वर्ग मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, ये अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा है मुझे प्यारे की नित्य सेवा मिलती रहे और स्वर्ग या मोक्ष मिल जाने पर भक्ति छूट जाएगी साधन के बाद में, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान कर्म से लाभ नहीं है। फिर आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्, मेरी सारी चेष्टाएं ऐसी हों जिससे कृष्ण को सुख की प्राप्ति हो। कृष्ण सुखार्थ चेष्टा, कृष्ण हितार्थ जो चेष्टाएं हैं, परम सुखार्थ चेष्टा। सुख का तात्पर्य भी केवल तात्कालिक सुख नहीं है, सुख का तात्पर्य है वास्तविक हित की प्राप्ति, वास्तविक सुख की प्राप्ति, स्थायी सुख की प्राप्ति। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्तमान का सुख तो सुखकर है परंतु अंत में वो दुख देने वाला हो जाए। जैसे श्री कृष्ण चाह रहे हैं कि मैंने मैया का माथ फोड़ दिया, अब मैं बध नहीं जाऊं। तो कृष्ण का सुख वर्तमान में देखने में क्या है कि मैं बध नहीं जाऊं, परंतु मैया कृष्ण को बांध रही हैं, अपने स्वार्थ के कारण नहीं बांध रही हैं, कृष्ण के हित के कारण, कि ये अपनी ही संपत्ति को इस प्रकार बिगाड़ेगा तो आगे ब्रज के राज्य को कैसे चलाएगा। सारा ब्रज का राज्य इसी का तो है, और अभी से ऐसा बिगाड़ करना शुरू कर दिया इसने तो आगे ये राज्य को कैसे चलाएगा। तो कृष्ण के परम हित के लिए यशोदा कृष्ण की अरुचिपूर्ण जो वस्तु है उसको करती है। कृष्ण बदना नहीं चाह रहे हैं, कृष्ण की बदने में अरुचि है, परंतु यशोदा आनुकूल्येन कृष्णान, यशोदा का कृष्ण को बांधना वो है प्रतिकूल चेष्टा, अनुकूल चेष्टा नहीं है। परंतु उसके भीतर जो भावना विराजमान है वह है कृष्ण के सुख की कामना, इसलिए वो चेष्टा भी भक्ति हो गई, उसको परम भक्ति के रूप में ध्यान किया जाता है। परंतु यदि ग्राह गजेंद्र के पैर को पकड़े तो वो उसको सुख देने के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि उसको दंड देने के लिए दे रहा है, पकड़ रहा है, उसको मारने के लिए पकड़ रहा है, तो उसकी चेष्टा भक्ति नहीं कहलाएगी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्, शिव जी मोहिनी भगवान के पीछे भाग रहे हैं, मोहिनी भगवान को सुख देने के लिए नहीं भाग रहे हैं, उनको सुख मिले या नहीं मिले मुझे सुख मिल जाए, ये भावना विराजमान है, इसलिए वो शंकर माया मोहन है, उसको भक्ति नहीं कहा गया। परंतु शिव जब मोहिनी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उसका नाम भक्ति है। मोहिनी को भोगना ये भक्ति नहीं है, मोहिनी की सेवा करना ये भक्ति है मोहिनी भगवान की। तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्, प्यारे को सुख की प्राप्ति हो इसके लिए प्यारे का
अनुशीलन, प्यारे की मन के अनुरूप चेष्टा करना, माने उसके वास्तविक हित के लिए चेष्टा करना, इसका नाम भक्ति है। युद्ध में तो कृष्ण ये चाहेंगे कि शार्ल मेरे ऊपर कस करके प्रहार करे तो जरा कुश्ती लड़ने में स्वाद आए, बराबर की कुश्ती नहीं होगी नहीं तो मजा ही नहीं आएगा लड़ाई करने में। शत्रु पूरी तरह से चारों मुष्टिक मेरे ऊपर कस करके प्रहार करें तो कुश्ती लड़ने में स्वाद आए। तो कृष्ण की इच्छा है कि प्रहार किया जाए, परंतु प्रहार करना ये भक्ति नहीं, क्योंकि वहां पर हित कामना नहीं है, कृष्ण को सुख देने की कामना चारु मुष्टिक शाल्व जरासंध में नहीं है, वे तो दुख देना ही चाह रहे हैं। मतलब इसलिए आनुकूल्यन कृष्ण, मार्मिक शब्द है आनुकूल्यन, आनुकूल्य का तात्पर्य है कृष्ण के सुख के लिए की गई चेष्टा। कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति नहीं, बल्कि कृष्ण के सुखार्थ प्रवृत्ति, उसका नाम है अनुकूल, अनुकूल्यन कृष्णा विष्णु। दो चीजें अलग है, कृष्ण की रुचि किसमें है, कृष्ण का को सुख किसमें मिलेगा, दोनों चीजें अलग अलग है। मैया जिसमें बाढ़ रही है, कन्हैया ने माटी खाई है, कन्हैया की रुचि है मिट्टी खाने में, परंतु मैया नहीं चाहती है, क्योंकि अंत में वो सुख का नहीं होगा, बालक का पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, तो सुख देने की प्रवृत्ति नहीं है, सुखार्थ चेष्टा नहीं है। इसे डांटना हो गया सुखार्थ चेष्टा, मिट्टी खाना वो कृष्ण की रुचि होने पर भी वो सुखार्थ चेष्टा नहीं। तो आनुकूल्य निष्ठा विष्णु, आनुकूल्य होकर के माने कृष्ण को सुख देने की अभिलाषा से की गई जो चेष्टा है, उसका नाम भक्ति उत्तमा। अनुकूलन कृष्णानुशीलन, अनुशीलन भक्ति। अब अनुशीलन दो प्रकार का हो सकता है, अनुशीलन कभी तो हो सकता है भाव रूप अनुशीलन, भाव के रूप में शरीर से कोई चेष्टा नहीं की जा रही है, परंतु मन से सुंदर, अभी अभी मैं सुंदर फल लेकर के आया हूं, फल को धो करके अमनिया करके सुंदर सुधार करके उनके बीज निकाल करके बालक को कहीं प्रभु को कहीं कष्ट नहीं हो युवा सरकार को भोजन करा रही, तो ये हो गया मानसी चेष्टा। अब कहीं फल नहीं है, कहीं चाकू नहीं है, कहीं कोई पत्तल नहीं है सामने, पर मन के द्वारा ठाकुर जी को समर्पित किया जा रहा, ये हो गया मानसिक चेष्टा। तो भावरूप चेष्टा भी हो सकती है और शारीरिक चेष्टा भी हो सकती है, कायिक या वाचिक। वाचिक रूप में कृष्ण पुराणवाद का गायन करके उनके मुख को उत्फुल्ल कर रहे हैं, ये होगी वाचिक चेष्टा। और कायिक चेष्टा के रूप में जहाँ सेवा करते हुए ठाकुर जी की विराजमान, ये होगी शरीर की चेष्टा। तो कायिक, वाचिक और भाव, तीनों प्रकार की चेष्टाओं को हम कहेंगे अनुशीलन, अनुशीलन माने चेष्टा। एक जगह से कहीं अपनी इंद्रियों का हटना, मन का हटना, और दूसरी जगह इंद्रियों को उन इंद्रियों का लगना, इसका नाम है चेष्टा। चेष्टा किसको कहेंगे, जहां हम हैं वहां से हट करके दूसरी जगह हम लगे। हाथ रखा हुआ है टेबल के ऊपर, अब यहां से हटा और श्री ठाकुर जी को माला धारण कराने में हाथ लगा, तो एक जगह से हाथ का कहीं विच्छेद हुआ और दूसरी जगह हाथ की चेष्टाओं की प्रवृत्ति हुई। तो प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों को करते हुए जो कहीं क्रिया की गई, उस क्रिया का नाम ही है अनुशीलन। वो शरीर के द्वारा भी की जा सकती है, वो वाणी के द्वारा भी की जा सकती है, वो न शरीर, वो केवल मन के द्वारा भी की जा सकती है। तो कभी हाथ से सेवा की जा सकती है, कभी वाणी के द्वारा की जा सकती है, कभी मन के द्वारा भी मानसी सेवा भी की जा सकती है, तीनों ही अनुशीलन।
और तीनों का फल एक ही है। तो अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति, उसका नाम भक्ति है। भक्ति माने भजनम, भजनम का तात्पर्य है इंद्रिय के द्वारा की गई चेष्टा, उस भजन का नाम ही है उत्तमा भक्ति। अब उसको उत्तमा कहें, एका कहें, श्रेष्ठा कहें, शुद्धा कहें, केवला कहें, ये बहुत से उसके नाम, सबका नाम एक ही है। चाहे केवला भक्ति कहे, चाहे उत्तमा, एका, श्रेष्ठा, परा, कुछ भी कहे, वो सबका नाम एक ही, उसके नाम अलग। अब उस भक्ति के उत्पन्न हो जाने पर श्रीमद् महाप्रभु में कभी हाय हाय मैंने, मुझे ठाकुर की सेवा नहीं मिली, हाय मुझ में प्रेम है ही नहीं, जिस प्रेम से प्यारे वशीभूत हो जाए, तो दूर शुद्ध प्रेम गंध। महाप्रभु कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेम की गंध भी राधा रानी कह रही है। महाप्रभु तो मन, महाप्रभु के भीतर राधा रानी है, राधा रानी के स्वरूप में महाप्रभु कह रहे हैं कि दूर प्रेम गंध, हाय मुझ में प्रेम की गंध भी नहीं है। कपट प्रेमे बंध, मैं जिसको प्रेम कह रहा हूं वह तो कपट का बंधन है, कपट प्रेम बंधन। मैं केवल स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहा हूं या कपट का बंधन ही एकमात्र है। से मोर नाही कृष्ण पाए, हाय ये कपट बंधन मुझ में विद्यमान है, प्यारे के साथ में भी सर्वदा छल करती हूं मैं, इसलिए से मोर नाही कृष्ण पाए, वो कपट ही मेरे भीतर भरा हुआ है, इसलिए मैंने कृष्ण को अभी प्राप्त नहीं किया, ये सारा दोष मेरा ही है। तभी ये कौन क्रंदन सौभाग्य प्रक्षापन, फिर भी मैं जो क्रंदन करती हूँ वो काय के लिए, केवल अपने सौभाग्य का वर्णन करने के लिए, दूसरे लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ी प्रेमनी प्रेमन हूँ, अपने आप की प्रेमी रूपता को दिखाने के लिए मैं केवल क्रंदन करती हूँ। कर यहाँ जाने निश्चय अरी सखी, जान ले मेरे वचन इनमें कोई दम नहीं है, ये केवल दूसरों को अपने अहम का पोषण करने के लिए, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए ही है। याते वंशी ध्वनि सुख ना देखे से चांद मुख, यद्यपि से नाही आलम्बन निज देह करी प्रति, केवल कामे रीति प्राण पीठ पर ये धार। अरी सखी देख देख, याते वंशी ध्वनि सुख, श्याम सुंदर वंशी बजाते हैं, वो वंशी कितनी सुख देने वाली है। ना देखी से चार मुख, तो जिस मुख से वंशी प्रकट होती है, वंशी की ध्वनि प्रकट होती है, ऐसे उस चंद्रमुख का मैंने दर्शन नहीं किया। यद्यपि से नाही आलम्बन, हाय उस मुख का आलम्बन मैं नहीं कर रही हूं और अभी भी विषयों का आलम्बन कर रही हूं। यद्यपि से नहीं आलम्बन, उसका मेरे पास में कोई आलम्बन नहीं है, निज देह कर प्रती, तो याते माने जिस श्रीमुख से वंशी ध्वनि सुख, सुख में वंशी ध्वनि होती है, ना देखी से चांद मुख, उस चंद्रमा के समान मुख का मैंने दर्शन नहीं किया। चंद शब्द का अर्थ होता है आनंदित प्रदान करना। यद्यपि से नाही आलम्बन, यद्यपि उस मुख का दर्शन नहीं किया है, फिर भी मैं जीवित हूं, इसका मतलब है कि निज देह करी प्रीति, मैं अपने देह में प्रीति कर रही हूं। ये तो कामे रीति, या तो काम की रीति है, प्रेम और काम इनमें मूलभूत अंतर ये है कि जहां प्यारे को सुख देने की चेष्टा हो उसका नाम है प्रेम, जहां अपने सुख की इच्छा हो उसका नाम है काम। जगत में काम ही काम है, अपना सुख सब चाहते हैं,
प्यारे को सुख देने की काम नहीं है, अभिलाषा कहीं नहीं है। प्राण की तेरे करिए धारण, हाय मैं इस कीड़े के समान प्राणों को धारण किए हुए हूं और प्रेम रूपी रत्न को निकाल करके फेंक दिया। प्राण कीटे करिए धारण, प्राण रूपी कीड़े को मैं धारण किए हुए हूं और प्रेम रूपी जो महारत्न है उस महारत्न को मैंने कहीं धारण नहीं किया है। ये कहीं ग्लानि की जो भावना है उस ग्लानि की भावना को धारण करते हुए जो विशाल और ग्लानि इन दो भावनाओं को धारण करके ये विरह में श्री प्रिया जी कह रहे हैं। आह कृष्ण प्रेम सुनिर्मल, कृष्ण का प्रेम तो कितना निर्मल है, ये शुद्ध गंगा जल जैसे वो शुद्ध गंगा जल हो। से प्रेम अमृतेर सिंधु, वो प्रेम अमृत की सिंधु होकर के विराजमान है, वो प्रेम अमृत का ही सिंधु होकर के विराजमान। निर्मल से अनुराग, वो अनुराग अत्यंत अत्यंत निर्मल है, अर्थात उसमें भोग मोक्ष की अभिलाषा रूपी ताग नहीं है। निर्मल से अनुराग ना लुकाए अन्य दाग, उसमें दूसरा जो दाग है वो दूसरा दाग उसमें नहीं है। ना लुकाए अन्य दाग, अन्य दाग यदि आ जाएगा तो अन्य दाग आने पर वो प्रेम सामने नहीं प्रकट होगा, तब स्वार्थ ही स्वार्थ प्रकट होगा। अन्य दाग आने पर वो प्रेम बिल्कुल जहां अपने सुख की कामना आई वहां वह प्रेम बिल्कुल छिप जाएगा, वह प्रेम सामने प्रकट नहीं होगा। शुक्ल बच्चे बसरे ये छे मसीह बिंदु, इसी को कह रहे हैं जैसे सफेद यदि कपड़ा है तो उसमें जरा सी एक स्याही की बूंद भी आए तो वो दिख जाती है। मैले वस्त्र में काले वस्त्र के ऊपर कोई कितनी स्याही की बोतल उड़ल दे तब भी नहीं दिखेगी, मैले वस्त्र में नहीं दिखेगी। परंतु शुद्ध जो वस्त्र है उसमें जरा सी एक बूंद भी दिख जाती है। ऐसे ही शुद्ध प्रेम में यदि जरा सा भी रसाभास होता है तो वो खटक जाता है, अपने सुख की कामना आती है तो वो साधक को कष्ट प्रदान करने वाली हो जाती है। तो शुद्ध वस्त्र ये छे मसी बिंदु, इसी तरह से श्री किशोरी जी कह रही हैं हाय मुझ में प्रेम है नहीं, जबकि एकदम शुद्ध प्रेम है, परंतु तो ये प्रिया क्लेश के भाव को धारण करके विषाद के भाव को धारण करके इन भावों में दुखी होकर के कह रही है कि हाय मेरे शरीर में प्रेम नहीं है, स्वार्थ ही स्वार्थ है, इसलिए बिना प्यारे का दर्शन किए बिना भी मैं जी रही हूं, ये जीवन क्यों हो रहा है। तत्वतः इसका उत्तर फिर अलग है, मैंने पूर्व पक्ष भले में रख रही है परंतु उत्तर है कि श्री कृष्ण के सुख का यहां ज्यादा भीतर आस्वादन हो रहा है और आगे कृष्ण से मिलने की अभिलाषा भी बनी हुई है, इसलिए दुख ये जो उनका जीवन धारण करना वो सर्वथा उचित है, क्योंकि सेवा करके प्यारे को सुख देना यही जीवन का लक्ष्य है और वो लक्ष्य के कारण ही प्रेम उनके जीवन की रक्षा किए हुए, वो प्रेम उनके जीवन की जो रक्षा किए हुए वो इसीलिए किया हुआ है कि आगे कृष्ण को सेवा देनी है, इसलिए वे जीवन को धारण किए हुए हैं, उनके जीवन की प्रेम रक्षा कर रहा है। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाए तार एक बिंदु से बिंदु जपते जो दुबार, शुद्ध प्रेम एक सुख का सिंधु है, उसकी एक बिंदु भी आ जाए तो उस बिंदु में संपूर्ण जगत को डुबाया जा सकता है। जो दिव्य
प्रेम तत्व है, हित तत्व है, वह सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान। वेदों में निरूपण किया गया कि लौकिक जो सांसारिक इंद्रियों का सुख है वह भी उस सुख की मात्रा मात्र होकर के विराजमान है। तस्य आनंदस्य मात्रां सर्वे उपजीवंती, ऐसा उपनिषदों में कहीं वचन आया कि जो आनंद है उसकी मात्रा, यदि कहीं उस अंश का एक अंश भी नहीं होता तो जगत भी सुख रूप नहीं होता, वो साक्षात सुख नहीं है परंतु उसका कहीं एक मात्रा जरूर विराजमान है, उसकी छाया जरूर विराजमान है, इसलिए वो कहीं सुख मिलता है। अब से बिंदु जगत डुबाए, जहां छाया रूप जो दिव्य सुख है उसकी छाया भौतिक वस्तुओं में कहीं सत्व गुण में प्राप्त होती है, उसमें ही जीव डूब रहा है, सारा संसार भौतिक सुखों में ही डूब रहा है। परंतु यदि वास्तविक सुख की प्राप्ति हो जाए तो वास्तविक सुख की प्राप्ति होने पर तो सारे सुखों को त्याग कर दिया जाएगा। जैसे कोई नकली मोती मिल जाए तो व्यक्ति जिसने असली मोती नहीं देखा है और वो नकली मोती को देख करके आहा ये कितना मूल्यवान है उसके लिए दौड़ता है, जबकि उस नकली मोती में असली मोती की केवल उसका अंश नहीं है बल्कि उसकी छाया मात्र है। तो छाया मात्र होने पर जैसे नकली मोती की चमक किसी भी व्यक्ति को डुबो देती है, जब उसको पता लगे कि अरे ये तो सीप है ये मोती नहीं है, तो फिर वो उस पूरे नकली मोती की माला को लेकर के कहीं गटर में फेंक देगा, नाली में फेंक देगा, किसी काम की नहीं है। असली एक मोती मिल जाए तो जैसे फिर जो तुच्छ माला है उसको फेंक देगा, ऐसे ही से बिंदु जगत दुबाए। दो तरह से अर्थ करेंगे कि उस वास्तविक प्रेम को प्राप्त करके जगत के प्रेम को तो छोड़ दिया जाएगा, एक अर्थ हुआ। मुख्य अर्थ यही कि असली प्रेम को प्राप्त करने पर, उस हित तत्व को प्राप्त करने पर अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को डुबो दिया जाएगा, उन सबों को त्याग कर दिया जाएगा। और दूसरा अर्थ है कि ये जगत की वस्तुएं भी सामान्य जीव को आकर्षित कर रही है, वो कैसे कर रही है, बोले जैसे इमिटेशन की कोई वस्तु किसी को आकर्षित करती है, उसकी छाया है इसीलिए आकर्षित करती है। तो जो हित तत्व है उस हित तत्व का स्वरूप ही है कि जो सबको धारण करता है, सबका पालन करता है, उसका नाम ही हित है। तो जो धा धातु है वो ही इक्ता प्रत्यय लगने पर उसका हित आदेश हो जाता है, धा धातु का ही हित। और धा धातु जो है वो धारण और पोषण दो अर्थों में आती है। हित शब्द की यदि व्याख्या करें तो हित शब्द की व्याख्या होगी प्रेम, हित माने प्रेम। हित शब्द बना है धा धातु से, धा धातु का निष्ठा में जो स्वरूप होगा वो हिता होगा। धीरी धातु में एक प्रत्यय लग करके हित शब्द बनेगा, हिता बनेगा। अब हित शब्द जो है धीरी धातु वो दो अर्थों में आती है, धा धारण पोषण। धा धारण जो है या तो धारण के अर्थ में या पोषण के अर्थ में। धारण का मतलब यही है कि संसार में जितना भी सुख कहीं दिख रहा है वो टिका हुआ है, असली में ईश्वर का कोई अंश कहीं ना कहीं विराजमान है, उस आनंद में प्रभु का ही कोई अंश विराजमान है, इसलिए संसार के सुखों में भी हमको सुख की प्राप्ति होती है। रसगुल्ला में जो सुख मिल रहा है भौतिक रसगुल्ले में, वो भी कहीं ना कहीं आनंद तत्व की एक छाया उसमें विद्यमान है, इसलिए उसका सुख मिल रहा है। सत्वगुणात्मक जो वस्तुएं हैं, सत्व सुख दे रहा है, रजोगुण दुख देता है और तमोगुण मोह देता है। तो शांत घोर मूल ये जो जगत का स्वरूप है, सत्वगुण के कारण शांति या सुख प्रदान करना,
रजोगुण के कारण दुख और तमोगुण के द्वारा मोह की प्राप्ति होना। तो शांत घोर मूल रूप जो जगत है, सत्व रज तम रूप जो जगत है, उसमें सत्व गुण में जो सुख की प्राप्ति है वह ईश्वरी सुख तो नहीं है, परंतु ईश्वर की सुख की छाया है। तस्य मात्रा में सर्वे उपजीवंती। इस प्रकार जो हित तत्व है वही सारे जगत को धारण किए हुए है। धारण अब धारण करने से कुछ नहीं होता है, पोषण वे श्री प्रभु उस रस को प्रकट करने के लिए कि ये तो था इमिटेशन का मोती, वास्तविक मोती ये है, उसका पोषण करने के लिए वे श्री प्रभु ही अपनी जो लीला है उस लीला को जगत के सामने प्रकट करते हुए विराजमान होते हैं और अपने अवतार के द्वारा उसका पोषण करते हैं। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि वो जो प्रेम है वो ऐसा है कि से बिंदु जगत डुबा, उस हित तत्व की एक बिंदु जो आनंद तत्व श्री प्रभु में विराजमान है उसकी एक बिंदु जगत डुबाए, सारे संसार को या तो छुड़ा देगी या सारे संसार उसमें वो प्रेम तत्व का ही वास्तविक प्रेम दर्शन करेगा। संसार की सभी वस्तुओं को प्रभु के लिए ही वह मानेगा, वह प्रभु के लिए ही उन सबका प्रयोग करते हुए विराजमान होगा। से बिंदु एक एक बूंद भी यदि किसी के हृदय में उस प्रेम तत्व की आ गई है तो जगत डुबाए, वह दूसरे लोगों को भी कृतकृत्य करेगा, संसार की सारी वस्तुओं का प्रयोग भगवत सेवा के लिए ही करेगा। कायन वाचा मन से निर्वा बुद्धियात्मना भानुसुत स्वभाव करोति यत्र सकलं परस्मै नारायणायेत समर्पयेत तत्। वो सब नारायण के लिए ही उनका समर्पण कर देगा, सारा जगत उस प्रेम में ही वह डुबो देगा, जगत का उपयोग प्रेम के लिए ही करेगा। थोड़ा कठिन है परंतु बड़ा मधुर बड़ा भावपूर्ण है। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, श्री प्रियालाल का जो प्रेम है वो सुख का सिंधु है, पाए तार एक बिंदु। श्री गुरुदेव की कृपा से श्री राधारानी जीव के हृदय में उस प्रेम की एक बिंदु कभी स्थापित करेंगे। दीक्षा के माध्यम से श्री राधारानी जीव के हृदय में उस प्रेम की एक बिंदु स्थापित करेंगी, उसके बीज को बोएंगे गुरुदेव के माध्यम से। तो भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जन, भाग्यवान जी वो गुरु कृष्ण कृपा के द्वारा प्रेम बीज को प्राप्त करता है। तो दीक्षा के माध्यम से उस बीज का बपन हुआ और बपन होने पर वो एक बिंदु कभी उसको मिले। श्री राधारानी है प्रेम की समुद्र, उनकी कृपा से प्रेम लादनी सार समवेत संवित सारांश, सार उसका अंश होकर के सारांश होकर के हमारे भीतर आए। प्रेम की परिभाषा गुरु स्वामी जी ने दी नहीं दी, लादनी सार, लादनी सार कौन हुई राधारानी, समवेत माने उनमें विराजमान है, संबित माने अपने प्रेम को प्रकाशित करने का शक्ति। लादनी सार संबित संबित, लादनी की सार है राधा रानी, उस राधा रानी के प्रेम में अपने आप को मैनिफेस्ट करने की, संबित माने अपने आप को प्रकाशित करने की सामर्थ्य भी विराजमान है। अर्थात आनंद के साथ में संबित तत्व ज्ञान तत्व भी मिला हुआ है। लादनी सारांश सार, लादनी सार संवेद संवित, अब इन दोनों का मिला हुआ जो सार है वो सार रूप हो गई श्री राधारानी निकुंज मन में, और उनका ही एक अंश आया हम में। कैसे बोले, श्रीमद गुरुदेव की कृपा से शक्ति संचार करने पर श्री गुरुदेव ने जिस समय शक्ति संनिपात किया, उस शक्ति संनिपात करने पर वो जो आह्लादनी का सार था श्री राधारानी, उन राधारानी के ही प्रेम का एक
बूंद तो बड़ी चीज है, क्या कहेंगे सीकर, एक फुहार, फुहार की एक बूंद श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से हमारे भीतर आए। गुरुदेव ने दीक्षा दी, वो दीक्षा कोई मामूली घटना नहीं है, वह श्री राधारानी का जो प्रेम उनमें विद्यमान है उस प्रेम का एक सीकर उन्होंने कृपा करके हमारे भीतर स्थापित कर दिया, दीक्षा के द्वारा शक्ति संचार कर दिया। जब हृदय में वो शक्ति संचार हो गया, वो सीकर आ गया, वो ही सीकर जब हम साधन भक्ति करेंगे तो साधन करने पर वही बीज उसमें दो पत्तियां उत्पन्न होंगी, क्लेशग्नि और शुभदा, वे दो पत्तियां ही कहीं आगे बढ़ती हुई शाखा प्रशाखाओं में बढ़ती हुई कभी भाव भक्ति के रूप में उसमें गुंडी आएगी, पुष्प आएंगे, वो पुष्प भी हो गए भाव भक्ति, वो पुष्प ही कभी फल के रूप में परिणत होंगे, वो ही हो गया प्रेम। तो प्रेम की भाषा बात कर, भक्ति की भाषा प्रेम की बात कर रहे थे, प्रेम की परिभाषा श्री भक्त स्वामी सिंधु की टीका में दुर्गम संबंधी में श्री गुरु गोस्वामी जी दे रहे हैं, भक्ति नहीं हलादनी सार समवेत, समवेत माने ऐसी आह्लाद जिसमें अपने आप को प्रकट करने की शक्ति भी है, उसका जो सार विराजमान है, पूरा समूह विराजमान है, उसका एक अंश वह गुरुदेव की कृपा से हमने आया। हलादनी सार समवेत, समवेत सार अंश का नाम है भक्त। वो भक्ति जीव के हृदय में कहीं अवतरित हुई और अवतरित होकर के यदि वो एक बूंद भी आ जाए तो उस बूंद में जगत डुबाए, सारा जगत फिर क्या मायने रखे, सब बड़े बड़े रूप सनातन बड़े बड़े राज्य का त्याग करके चले आए, अम्बरीश महाराज सब त्याग करके चले आए, श्री आदि भरत सब कुछ त्याग करके चले आए। जाओ युवैव मल्वत उत्तम श्लोक लालसा, जैसे मल का त्याग करके कोई पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता है, भागते हैं लोटा लेकर के, ऐसे पूरे राज्य का श्री आदि भरत ने त्याग कर दिया, उसके ओर मुड़ करके भी नहीं देखा। जाओ योगी मलवत, ये मलवत का दृष्टांत देकर के बड़ा सुंदर माने ये सटीक दृष्टांत दिया कि जैसे